अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन क्लास, आज का जो हमारा काम है वो है चैप्टर नंबर 2 द ब्रिटिश पॉलिसीज़ वाले चैप्टर के 2 क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप हमने इसकी कल कर ली थी। 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है बच्चे, डिस्क्राइब द मेन एम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़। ब्रिटिश पॉलिसीज़ का मेन एम, मेन मकसद उनका क्या था। द ब्रिटिश पॉलिसीज़ आफ्टर वार ऑफ 1857 वर रिएक्शनरी। रिएक्शनरी कहते हैं किसी एक्शन के ऊपर रद्दअमल देना। एंड प्राइमरीली फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग एंड अदर रिवोल्ट, के मेन मकसद उसका ये था कि फोकस किया जाए, प्रिवेंट रोका जाए एंड अदर रिवोल्ट, किसी दूसरी बगावत को। एंड टू यूज़ इंडियन स्पॉय और इंडिया के फौजी, हिंदू फौजी, टू डिफेंड देयर इंडियन टेरिटरी, के उनकी इंडियन रियासतों को वो डिफेंड करें, बचाएं, ऑफ द एम्पायर, एम्पायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ वर मेड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश से किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई गई। ब्रिटिश मेड दीज पॉलिसीज़, ब्रिटिश ने ये पॉलिसीज़ बनाई, जिनमें से पहली मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी थी। मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी, के मिलिट्री के लोग और वहाँ के सिविल जो लोग थे उनको अरेंज करना, उनको तरतीब देना, उनके मकासद तय करना। दूसरी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिसमें चंद पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं, डिवाइड एंड रूल, कम्युनिकेशन, सोशल पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसी, लेबर लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन, एजुकेशनल पॉलिसीज़, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये चंद पॉलिसीज़ ब्रिटिश ने बनाई थी। ये बच्चे आपका आज का काम है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। किसी किस्म का मसला हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है।